हेलो दोस्तों, मैं दानिश खान एक बार फिर आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है। आप एंड्रॉयड मोबाइल में कभी भी किसी चीज़ को सर्च करते हो या ऑनलाइन वीडियो देखते हो तो वो ऐसा नहीं कि वीडियो की हिस्ट्री डिलीट हो जाती है, बल्कि एक ऐसी जगह पर वो गूगल पे सेव हो जाती है जिसका कोई भी मिसयूज़ कर सकता है बाद में। तो मैं आपको आज उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि उसको आपको कैसे डिलीट करना है। आपके लाइफ टाइम की हिस्ट्री उसमें आपको मिल जाएगी, आपने कब किस चीज़ को सर्च किया, वो कैसे डिलीट करना है, ये मैं इस वीडियो में बात करूँगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको यूसी ब्राउज़र के अंदर जाना है। इस टाइप से यूसी ब्राउज़र में जाएंगे, जो भी अपन ने सर्च किया है आप सबसे पहले उस हिस्ट्री में जाएंगे। देखिए इस टाइप से आप हिस्ट्री में जाएंगे। इस हिस्ट्री में जाने के बाद आप यहाँ से इसको क्लियर कर देंगे तो आपको लगता है कि यहाँ से हिस्ट्री पूरी क्लियर हो गई है, बल्कि ऐसा नहीं है। यहाँ से हिस्ट्री क्लियर नहीं हुई है, ये एक और जगह है गूगल पे आपकी ईमेल आईडी के थ्रू। जो ईमेल आईडी इसमें रजिस्टर्ड है उसके थ्रू वो जो इन्फॉर्मेशन है वो गूगल तक पहुँच चुकी है। और आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो तो वो भी, आप जितने भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो ऐप्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लीक हो सकती है, वो बाहर जा सकती है। तो मैं आज आपको उसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि उसको आपको डिलीट कैसे करना है और सेफ कैसे होना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यूसी ब्राउज़र में जाना है। यूसी ब्राउज़र में जाने के बाद गूगल पर सर्च करना है myactivity.net, आपको सर्च करना है। तो इस टाइप से वेलकम टू माय एक्टिविटी ऑप्शन खुल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक वेबसाइट मिलेगी। उस वेबसाइट में बेसिकली करना कुछ नहीं, आपकी ईमेल आईडी जो है आपको लॉगिन करना है। मेरी ऑलरेडी लॉगिन है तो यहाँ पे सारी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल गई है। ये देखिए यहाँ पे फिल्टर है, आप इसको फिल्टर पे ओके करेंगे, ठीक है। किस टाइप से करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आप फिल्टर पे ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे प्रोडक्ट खुल जाएंगे, फिल्टर टू गूगल प्रोडक्ट। अभी इस पर ऑल पे टिक है, आपको ऑल से हटाना है। अलग अलग चीज़ों के जिस टाइप से एड्स है, एंड्रॉयड असिस्टेंस है, गूगल प्ले स्टोर है, इमेज सर्च है, मैप है सर्च, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब आप देखिए क्या करिए, यूट्यूब आप ज़्यादातर सर्च अगर करते हैं, इमेज सर्च करते हैं, ये नेसेसरी चीज़ें, इनको हटाना ज़रूरी होता है। एंड्रॉयड में सारी चीज़ें आपके आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूसी ब्राउज़र में क्या सर्च किया है, ओपेरा में क्या सर्च किया, जितने भी आपके ब्राउज़र आपने उनमें क्या सर्च किया है, और एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर से आपने क्या डाउनलोड किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ऐसा एरिया है यूट्यूब पे, गूगल पे, जहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन जमा हो जाती है। तो आपको इनको सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से सर्च कर देना है। सर्च करने के जैसे ही आप यहाँ से सर्च करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन देखिए आ जाएगी यहाँ पे, जो मैंने सर्च किया था इससे पहले हिस्ट्री मेरी, ठीक है। ये टुडे हिस्ट्री आ गई है, इससे पहले मैंने यूट्यूब सर्च किया था। इस टाइप से ये देखिए ओयो रूम बुकिंग, जिस रूम में मैं अभी रह रहा हूँ, एक्चुअली मैं भोपाल आया हूँ, आज मेरी ट्रेनिंग है, इसी कारण मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया। अब देखिए ये सारी हिस्ट्री मेरी ओपन हो रही है धीरे धीरे, और ये आज की नहीं, ये एवरी टाइम की, जिस टाइम से आपने इस ईमेल आईडी को लॉगिन किया, इट मीन्स के आज नहीं कल नहीं बल्कि सालों पुरानी हिस्ट्री आप में आपको इसमें मिल जाएगी। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये डिलीट रिजल्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आता है, आपको यहाँ से आपको इसको डिलीट कर देना है। तो देखिए इस टाइप से आपकी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करना है, इस हिस्ट्री को डिलीट करना है, ठीक है। इस टाइप से ये आपकी जो है वन मंथ की हिस्ट्री डिलीट हो रही है। इस तरीके से आपको सिलेक्ट करके इसको डिलीट करते रहना है, ठीक है। 2 से 3 बार आपको करना है। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली सारी चीज़ें डिलीट हो जाए तो इस ऊपर वाले ऑप्शन में आएंगे सर्च विंडो में, यहाँ पे डिलीट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, तो अब तक की आपकी सारी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब यह हिस्ट्री डिलीट हो गई तो एक मिनट, इस टाइप से आपको क्लिक करना है सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे जैसे आप इसको सिलेक्ट करते जाएंगे ये हिस्ट्री पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद आपको डिलीट कर देना है यहाँ से, तो आपकी यूट्यूब से सारी हिस्ट्री, गूगल से सारी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। देखिए इसमें मेरे कोई भी अब हिस्ट्री बाकी नहीं है, एक्चुअली मैं पहले भी डिलीट कर चुका था। तो दोस्तों
ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, आप एक बार चेक करिए। मेक माय एक्टिविटी प्रोडक्ट, इसमें आप जाएंगे तो आपको सारी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, कितना क्या आपका बर्डन इसके अंदर मौजूद है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। आप जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सबसे पहले अपने मोबाइल के यूसी ब्राउज़र में जाकर या जिस भी ब्राउज़र को यूज़ करते हैं उस ब्राउज़र के अंदर जाकर इस हिस्ट्री को सबसे पहले डिलीट करें, ठीक है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। चलिए, थैंक यू।